ठंडी का मौसम चल रहा है और ठंडी के मौसम में गाजर का हलवा नहीं खाया तो क्या खाया। तो चलिए आज बनाते हैं गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 1 किलो गाजर। तो अब इन गाजरों को हम अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि गाजर के ऊपर बहुत सारी मिट्टी और धूल जमा होती है, तो इसे साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अच्छे से उन्हें साफ कर लिया है। तो अब इन गाजरों को हम एक किचन टावल पर रख देंगे, ताकि गाजर के ऊपर जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए और गाजर अच्छे से ड्राई हो जाए। तो मैंने सारे गाजरों को किचन टावल पे रख दिया है और ये देखिए गाजर अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, सूख गए हैं। अब इसको हम छील लेंगे। तो इसके ऊपर का जो छिलका है वो अच्छे से निकालना होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो रेशे हैं वो भी हमें निकालने हैं। रेशे मुँह में आएंगे खाने में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए गाजर को छीलना भी बहुत ज़रूरी है। तो सारे गाजर को हमें अच्छे से छील लेना है, इसके ऊपर के छिलके अच्छे से निकाल देने हैं। तो ये देखिए सारे गाजरों को मैंने अच्छे से छील लिया है और सारे छिलके निकाल लिए हैं। और अब हमें चाहिए एक बड़ी सी परात। तो यहाँ पे मैंने बड़ी सी परात ले ली है और मैं निकाल लूँगी छीणी। तो गुजरात में इसे हम छीणी बोलते हैं, जिससे हम गाजर को कद्दूकस करने वाले हैं। तो इस छीणी में हम सारे गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए मैं जल्दी जल्दी लग पड़ी हूँ गाजर को कद्दूकस करने में। मुझे कहीं पे जाना था तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। लेकिन ऐसे कामों को थोड़ा सा आराम से करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये छीणी बहुत ही शार्प होती है तो कभी भी हाथों में लग सकती है। तो मेरे साथ वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो ये देखिए मेरे हाथ में ये छीणी लग गई है। तो आप भी जब भी गाजर का हलवा बनाएं या फिर कुछ भी बनाएं, इस तरह से उसे कद्दूकस करना हो तो थोड़ा सा केयरफुली करिए, क्योंकि ये हाथ में कभी भी लग सकता है। तो जैसे तैसे मैंने अपना ये काम खत्म कर लिया है और मैंने सारे गाजरों को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए अगर आप बड़ा सा बर्तन लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि बड़े से बर्तन में गाजर का हलवा जल्दी से बन जाता है, क्योंकि आप गैस की फ्लेम फास्ट भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बड़ा सा पैन ले लिया है। तो ये नॉनस्टिक का पैन है, अगर आपके पास नॉनस्टिक का पैन है तो वो यूज़ करिए, क्योंकि इसमें गाजर का हलवा बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और अच्छे से बन जाता है। और अब मैंने निकाल ली एक पतीली, उसके अंदर मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूंगी। गाजर के हलवे में या फिर लौकी के हलवे में, कोई भी हलवे में अगर आप दूध यूज़ कर रहे हो तो उसे गर्म करके लीजिए। अगर आप पानी का भी यूज़ कर रहे हो हलवे में तो उसे भी गर्म करके लीजिए। अगर आप ठंडा दूध या पानी लोगे तो हलवे के टेस्ट और कलर दोनों में चेंज आ सकता है। तो हमेशा दूध या पानी गर्म करके ही ले। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और उसको पतीली में निकाल लिया है। पतीली में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है नीचे, क्योंकि ये जो पैकेट दूध आता है, पैकेट वाला दूध आता है, उसके अंदर पता नहीं पाउडर जैसा कुछ होता है। तो पानी नहीं डालेंगे तो नीचे से वो सब परत उसकी जम जाती है नीचे। तो हमेशा मैं नीचे थोड़ा सा पानी डाल के फिर दूध को गर्म करने के लिए रखती हूँ। तो दूध गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पे हम गाजर को सेक लेंगे। तो गाजर सेकने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है। ये घर का बना हुआ घी है एकदम प्योर। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है और अब घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे ये गाजर जो हमने कद्दूकस करके रखे हुए थे। तो सारे गाजरों को हम उसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब इसको सेकना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे हाई फ्लेम पे ही हम सेक लेंगे। गाजर का कलर थोड़ा सा चेंज हो तब तक उसे हमें सेकना है। तो ये गाजर एकदम लाल कलर के हैं, लेकिन उसको सेकेंगे तो वो थोड़े से ऑरेंज कलर के, केसरी कलर के हो जाएंगे। तो तब तक हमें उसे सेकना है। तो 5 से 10 मिनट में अच्छे से सिक जाएंगे और तब तक हमारा दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो दूध गर्म होते ही एक उबाल आ जाए फिर उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये दूध। तो सारा दूध हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए सारा दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है और अब इसको हम पकाएंगे। तो इसे हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है। मैंने बड़ा सा बर्तन लिया है तो दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और अच्छे से पकने लगेगा और फटाफट से हमारा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 से 12 मिनट ही हुए हैं और बहुत सारा दूध रेडी हो चुका है, क्योंकि हमने इसे हाई फ्लेम पे पकाया है। गाजर के हलवे को दूध में पकाने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके अंदर हम मावा या फिर खोया कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे दूध हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया है, 1 किलो गाजर तो 1 लीटर दूध लिया है। गाजर जब दूध में पकेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ भी और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे मैं एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ और मेरी माँ भी ऐसे ही बनाती थी, तो मैं भी यही रेसिपी फॉलो कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब तक दूध रेडी हो रहा है तो हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो गाजर के हलवे में ड्राई फ्रूट्स नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैंने ले लिए काजू बादाम और उसको ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। हम ये काम कर रहे हैं तो गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम रखेंगे तो गाजर का हलवा नीचे से जल जाएगा। तो फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर देंगे और बीच बीच में उसे चलाते रहेंगे और बाजू में ये काम भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू बादाम दोनों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन एक कटोरी जितने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। मेरे पास काजू बादाम अवेलेबल थे तो मैंने यही लिए हैं, आप पिस्ता या फिर अखरोट कुछ भी ऐड कर सकते हो। और अब मैंने ले ली है इलायची। इलायची के बिना गाजर का हलवा फीका लगेगा, तो गाजर का हलवा का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके अंदर इलायची जरूर ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 इलायची ले ली है और उसको मैं छील लूँगी और उसके दाने निकाल लूँगी और उसे अच्छे से कूट लूँगी, उसका पाउडर बना दूँगी। तो चलिए इलायची छिल चुकी है और मैंने यहाँ पे 7 से 8 इलायची का यूज़ किया है। इलायची के जो छिलके हैं उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे हम चाय पत्ती में डाल देंगे, क्योंकि चाय में भी इलायची का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इन छिलकों को हम इस तरह यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ले ली है थोड़ी सी चीनी, क्योंकि चीनी डालने से जो इलायची के दाने हैं वो अच्छे से कूट जाते हैं, अच्छे से उसका पाउडर बन जाता है। तो जब भी आप इलायची को कूटें थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालें। ऐसा करने से इलायची का एकदम फाइन पाउडर बन जाता है और इलायची के दाने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि किसी किसी को दाने मुंह में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह करने से इलायची का एकदम फाइन पाउडर बन जाएगा, बिल्कुल भी दाने नहीं रहेंगे। तो चलिए अब गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हमने सब कुछ कर लिया है और ये जो बचा कुचा दूध है उसे हम रिड्यूस कर देंगे। तो ये देखिए ऑलमोस्ट सारा दूध रिड्यूस हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पे चीनी भी हम मेजर करके लेंगे, क्योंकि गाजर का हलवा ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा और थोड़ा सा मीठा कम होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो परफेक्ट मेजरमेंट हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर लिए थे तो मैं 1 कप चीनी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो 1 कप चीनी ग्राम में मेज़र करें तो 200 ग्राम जितनी होती है, तो 200 ग्राम जितनी चीनी इनफ है, क्योंकि बहुत मीठा भी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत फीका भी अच्छा नहीं लगेगा। तो 200 ग्राम चीनी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, तो इसके अंदर मैं 1 कप चीनी ऐड कर दूंगी। और अब फिर से गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और ये चीनी है उसे मेल्ट कर देंगे और चीनी का जो पानी होगा उसे भी हम रिड्यूस कर देंगे। तो चीनी का पानी रिड्यूस हो तब तक हमें उसे पकाना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में अच्छे से ये पानी रिड्यूस हो जाएगा और ये देखिए सारा पानी रिड्यूस हो चुका है। इस तरह हम चेक करेंगे कि बीच में से पानी निकल रहा है कि नहीं। चीनी का पानी रिड्यूस हो जाए फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। और अब ले लेंगे एक छोटा सा बर्तन। तो यहाँ पे मेरे पास छोटा सा पैन था तो मैंने ये ले लिया है। आप छोटी सी पतीली या फिर कोई भी बर्तन ले सकते हो। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए फिर इसके अंदर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए हैं, थोड़े से मैंने बचा के रख लिए हैं। अब इस बादाम को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे सेक लेंगे। तो इस तरह करने से ये बादाम का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाएगा और हमारे हलवे का भी टेस्ट बढ़ जाएगा। बादाम सीखने में थोड़ी सी देर लगती है तो हमने पहले बादाम को सीख लिया है। बादाम थोड़े बहुत सीख जाए फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे काजू, क्योंकि काजू जल्दी से सीख जाते हैं। दोनों साथ में डालेंगे तो काजू जल जाएंगे, इसीलिए मैंने काजू को बाद में ऐड किया है। और अब ये जो हमने काजू बादाम सीखे थे वो हलवे के अंदर ऐड कर लेंगे। तो इस तरह करने से गाजर का हलवे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब लास्ट में ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और गाजर का हलवा टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम बंद कर लेना है। तो ये देखिए हमारा गाजर का हलवा एकदम रेडी है। कलर भी कितना बढ़िया है और इसका टेक्सचर भी। और अब इसको निकाल लेंगे तो मैं इसे एक बोल में सर्व कर लूँगी। और अब ऊपर से इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे उससे हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए तैयार है गाजर का हलवा। एकदम ट्रेडिशनल तरीके से मैंने बनाया है और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया बनाया है।
और उसका स्वीटनेस और सब कुछ बहुत ही बैलेंस है, तो आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरे घर में तो ये हलवा सबको बहुत ही पसंद आया था, तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाजर के हलवे को निकाल लेते हैं कंटेनर में। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का कांच का एक कंटेनर था, तो उसके अंदर मैंने सारा गाजर का हलवा निकाल लिया है और उसे अच्छे से प्रेस कर लिया है ऊपर से। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो तो इस तरह से आप प्रेजेंट करोगे तो देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। और अब ऊपर से मैंने डाल दिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो बचा के रखे थे, और लास्ट में मैंने थोड़े से एडिबल कॉपर लीफ भी डाल दिए हैं, तो देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो गाजर का हलवा सर्व करने के लिए रेडी है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।